सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में, जिसमें कि हम TVS की न्यूली लॉन्च TVS जुपिटर 125cc की सारी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि अभी इस टाइम पर इंडिया में एक ऐसे व्हीकल की नीड है जिसमें कि सामान और माइलेज दोनों ही मिले, पर अभी तक एक या दो ही ऐसे व्हीकल्स इंडियन मार्केट में आए हैं और वो भी बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। पर TVS ने इंडियन कस्टमर और मार्केट की नीड को बेहतर तरीके से समझा है और इसी के लिए TVS ने अपनी न्यू जुपिटर 125cc लॉन्च की है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे कि इस गाड़ी का फ्यूल टैंक नीचे की तरफ है, जिसके कारण इस गाड़ी का बूट स्पेस काफ़ी बड़ा हो गया है। इसका साइज इतना बड़ा है कि आप दो दो फुल साइज हेलमेट को इसमें आसानी से रख सकते हैं, जो कि इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इस गाड़ी का इंजन BS6 टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और सेफ्टी के पर्पज से इसमें डिस्क ब्रेक दी हुई है, जो कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम पर वर्क करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें दोस्तों, फ्यूल टैंक का कैप सामने ही दिया हुआ है, जिससे कि ड्राइवर को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी इसके अदर फीचर की बात करूं तो इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेमी LED लाइट, ग्रिल्स एंड इंडिकेटर शटर लॉक दिया गया है और आगे की तरफ ही एक मोबाइल होल्डर है, जिसके ऊपर ही मोबाइल चार्जिंग पॉइंट प्रोवाइड करवाया गया है, जिससे कि लॉन्ग रूट में ड्राइवर को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, सच बताऊं तो एकदम पैसा वसूल गाड़ी है TVS की तरफ से, जो कि आज इस टाइम की सारी जरूरतों को पूरा करती है। चाहे वो बात हो स्पेस की, जिसमें ज़्यादा सामान रखना हो, चार्जिंग की, मोबाइल होल्डर्स की, लॉन्ग रूट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ड्राइवर्स को वो, एक्सेट्रा, मतलब सारी, एक तरीके से बोल सकते हैं कि सारी ही प्रॉब्लम्स इसके थ्रू सॉल्व हो सकती है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो तो सभी करते हैं, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये गाड़ी हमारी ज़रूरतों के हिसाब से कितनी फिट बैठती है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बन रही है हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच।